ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। ये कहानी शुरू होती है एक बस स्टैंड से और एक बस कंडक्टर से। सबका एक अपना सपना होता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं एक आईएएस बनूं, लेकिन फिलहाल मैं एक बस कंडक्टर हूं। कभी अच्छी इनकम हो जाती है तो कभी कुछ नहीं मिलता। चलिए आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ। ये मेरा घर है। सारे काम करने के बाद मुझे टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। मैं कभी भी पढ़ने बैठ जाता हूँ, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ाई करने लगता हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। मैं सोचता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमारा लंच का टाइम होता है तो मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, उससे नोट्स लेता हूँ। कभी वो नोट्स दे पाता है तो कभी नहीं देता है। ओए ये देखिए बस कंडक्टर है ना, ये हमारी कोचिंग के आगे फ्री के नोट्स लेने क्यों आ जाता है? इनको कौन समझाए, ये इन लोगों के लिए नहीं बनी, अपन जैसे लोगों के लिए पता नहीं यहाँ क्या लेने आ जाते हैं। इसको तो मैं बताऊंगी कल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब इच्छा करे, जब मौका मिले तब पढ़ने लग जाए। पता है आपको, मुझे सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? जब मेरी बस एक कोचिंग के आगे रुकती है और मैं उतर के उन बच्चों को देखता हूँ जो कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं। सोचता हूँ कितने लकी है ये लोग कि इन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं उन्हें बस देखता रहता हूँ और मुझे खुशी मिलती है उन्हें देखकर। तो बस कंडक्टर है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है अपनी बस छोड़ के हमारी कोचिंग के आगे? ओ अच्छा, आईएएस की तैयारी कर रहा है। साहब को आईएएस बनना है, अपनी औकात देखी है तूने? आईएएस बनेगा, ये तुम जैसे गरीबों के लिए सूट नहीं करता, ये हम जैसे अमीरों के लिए बनी है, समझा? ये हमारा खेत है। जब भी पापा मुझे खेत का ध्यान रखने के लिए भेजते हैं तो मैं अपनी बुक्स अपने साथ लेके आ जाता हूँ। यहाँ मुझे पढ़कर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ एक अलग ही शांति मिलती है और सोचने का मौका मिलता है। कभी बहुत पैसेंजर आ जाते हैं तो कभी बहुत कम, कभी अच्छी इनकम हो जाती है तो कभी बहुत कम, लेकिन ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कितनी मेहनत करी है उस काम के लिए। Beep.
ओ हेलो, तुझ में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? मुंह उठा के बार बार आ जाता, उस दिन कितनी बार तेरी बेइज्जती की, फिर भी तुझ में अक्कल नाम की चीज नहीं है। यहाँ तेरा लायक नहीं है, तू क्यों आता है इस इंस्टीट्यूट में बार बार मुंह उठा के? ये ले, आज के बाद आना मत यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो कुछ लोग आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन आपको हमेशा फोकस करना चाहिए अपने गोल्स पे, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे। कल का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इतने टाइम से जिसके लिए मेहनत करी है, जो मेरा करियर है, उसका एग्ज़ाम है कल। जब भी आप एग्ज़ाम टेबल पे बैठ के अपना OMR शीट भरते हैं और न जाने आपके हाथ घड़ी की सुई की तरह स्पीड चलने लगते हैं। और लास्ट में जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं जिस कुर्सी के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी प्रॉब्लम्स को झेला है, न जाने एक अलग सा सुकून मिलता है वहाँ बैठकर। और अचानक से आंखों के सामने वो पुराने सीन चलते रहते हैं, किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सफर अब शुरू हुआ है। एक्चुअली आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब दो कमेंट ऐसे आएंगे कि UPSC हलवा नहीं होता। मैं जानता हूं कि हलवा नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे क्रैक करने वाले इंसान ही होते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है। ये वीडियो आपको ये बताती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप फोकस करें अपने काम पे, अपने सपने पे, आप जो बनना चाहते हो। आप कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके लाइफ में दो लोग ऐसे आते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और डीमोटिवेट करते हैं। तो आप हमेशा उस चीज़ पर फोकस करिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, क्योंकि किसी और के कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, वही मायने रखता है। और आपसे ये बात करनी थी कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसे सोचना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, एडिट करनी पड़ती है, फिर जाके आप लोगों के सामने वो वीडियो आ पाती है। और अगर आप लोग उसे लाइक करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं। और अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। थैंक यू।